नमस्कार किसान तक में आपका स्वागत है। किसान कारवां के तहत आज किसान तक पहुंचा है सिद्धार्थनगर जनपद के बांसी तहसील क्षेत्र में, जहां इस क्षेत्र के भरथुआ गांव में आज किसान कारवां ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि यहां के किसानों को आधुनिक विधियों की जानकारी देकर अधिक से अधिक उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए। ऐसी यहां पर सिद्धार्थनगर के कई कृषि वैज्ञानिक व कृषि के क्षेत्र में अच्छा उत्पादन करने वाले किसान भी यहां उपस्थित हैं, जो अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं, जिससे कि यहां के और किसान उनके अनुभवों का लाभ उठाकर अपनी उपज को बढ़ा सकें और अपनी आय को दोगुना कर सकें। आप देख सकते हैं कि यहां पर यह कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जहां पर इस कार्यक्रम के और चार्ज काट ले रही है साथी अनमोल बिस्किट धानुका एग्रोटेक सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ दोनों मिला कृषि वैज्ञानिक सब्सिडी दे रही है। यहां पर उपस्थित हैं भारी संख्या में किसान आए हुए हैं, जिन्हें यह बताया जा रहा है कि वह अपनी उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं। यहां पे जो सिद्धार्थनगर के जिले में तराई बेल्ट का एरिया है, यहां पे अभी हम अपने विभाग से संबंधित कृषि विभाग से संबंधित किसानों को जानकारी दी कि कैसे विभाग की योजनाएं हैं और क्या क्या योजना किसान लाभ लेके उसको अपने दैनिक जीवन में अपना उत्पादन बढ़ाने से संबंधित यंत्रों से संबंधित सब्सिडी जो भी मिलती हैं सरकार के द्वारा बीज पे खाद पे दवा पे उसके बारे में जानकारी दी गई है और किसानों को अधिक से अधिक लाभ ले सकें उसके बारे में भी बताया। क्या क्या योजनाएँ हैं? योजनाएँ हैं जैसे पीएम किसान है, बीज है, बीज पे 50% की सब्सिडी, दवा पे भी 50% की सब्सिडी, यंत्रों पे भी 50-60% तक की सब्सिडी आती हैं। कुछ योजनाएं हैं कि जिसमें समूह बना के उसमें महिलाएं चाहे पुरुष हों 80% तक अनुदान ट्रैक्टर पे बड़े यंत्रों पे अनुदान के माध्यम से 80% तक अनुदान ले सकते हैं उसमें। सिद्धार्थनगर तराई बेल्ट है, यहाँ पे कौन सी ऐसी खेती की जाए? यहाँ पे ज़्यादातर तराई बेल्ट होने की वजह से सिंचाई कम हो, पानी कम लगे, उसकी लागत कम हो, उसके वजह से धान और गेहूं, सरसों ये ज़्यादातर मिलनी इधर फसलें बोई जाती हैं और उससे किसान काफ़ी अच्छा लाभ भी लेते हैं। कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन सी ऐसी विधियाँ कि किसान अपना उत्पादन उपज बढ़ाए और अपनी आय को दुगनी करे? इसमें किसान भाई को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से यंत्र ऐसे आ गए हैं कि अपना खेती बाड़ी करके और जैसे ट्रैक्टर से संबंधित सुपर सीडर हुआ, गेहूँ की बुआई, धान की बुआई सुपर सीडर से अगर करते हैं तो उसमें जुताई के जो लागत है वो कम हो जाएगा और खाद और बीज की जो मात्रा है वो भी उसमें कम हो जाती है। और उसमें जो एक चीज़ है कि एक लाइन में सीधी बुआई हो जाती है, जिससे पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो मेंटेन रहती है और बहुत अच्छा सा विकास होता है पौधे का और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। बात करें उर्वरकों की जी, इनकी मात्रा को लेकर बड़ा भ्रम है किसानों में। नहीं, उर्वरक का जो रेशियो होता है वो अपना जो एरिया के हिसाब से, उर्वरक का मात्रा ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए, एक 4:4:2:1 का रेशियो होता है, उसी के एनपीके इन सब चीज़ों का रेशियो होता है, उसी रेशियो से अप्लाई करना चाहिए खेतों में, तभी वो सही पड़ेगा, उसके लिए अधिक उत्पादन एक मिलता है। बात जैविक, इसमें जैविक खेती की बहुत बात है। हाँ, जैविक में देखिए सरकार उस पर जैविक पे भी बहुत जोर दे रही है, उसमें हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत कुछ क्लस्टर लिए जा रहे हैं, उसमें किसानों का सेलेक्ट करके और उसमें किसानों को जैविक पद्धति से खेती कराई जा रही है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, और उसमें किसानों को जो भी लाभ मिल रहे हैं सरकार के द्वारा उनको प्रोवाइड करा जाए और वही प्रदर्शनी के रूप में अन्य किसानों को भी दिखाया जा रहा है। कम शब्दों में बात करें तो आधुनिक खेती के तहत किसान क्या करें? आधुनिक खेती में खेती करने के जो तरीके हैं, जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसको अपनाएं, वही सबसे बेहतर तरीका है खेती बाड़ी करने से संबंधित। वैज्ञानिक तरीके में लाइन से बुआई, जो खाद और दवा का जो मैनेजमेंट है, जो कम से कम दवा और खाद का यूज करें, अगर उतना करता है किसान तो उसकी लागत भी कम हो जाएगी, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा है। ये कार्यक्रम कैसा था? कार्यक्रम अच्छा था, किसानी के बारे में सब अच्छा बताए, ये दवा डालो, ये दवा कंपनी से आ रहा है, गोडाउन में आ रहा है,
ऐसा ऐसा बताए हैं। अच्छा, ये चीजें पहले आपको नहीं पता थी? नहीं। और अब, क्या अब, ऐसी नई जानकारी मिली जो आपको आपकी उपज को बढ़ाए? फायदा ये मिला कि जैसे गोडाउन से ले रहे हो, हाँ, दुकान से, तो उसमें फायदा नहीं है, ऐसा है। और ये मैं सब्सिडी मिल रहा है, ये मिल रहा है, सब्सिडी मिले, सब्सिडी जी, तो उससे हमको ज्यादा फायदा मिल रहा है। आपको लगता है कार्यक्रम अच्छा था? कार्यक्रम अच्छा है। स्वराज ट्रैक्टर के रीजनल मैनेजर यहाँ उपस्थित हैं। हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रैक्टर की सहायता से किस तरह किसान अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। स्वागत है सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम ऋषि शर्मा है और मैं टेरिटरी मैनेजर हूँ बस्ती मंडल का, और बस्ती सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। और ये आप ट्रैक्टर आया है हमारा स्वराज 744 FE। जैसे कि स्वराज का 50वां साल है इस बार, और पिछले 50 साल से हम लोग किसानों की सेवा में हैं, लगे हुए हैं। तो इस बार क्या किया है कंपनी ने कि 50वीं जो हमारी सालगिरह है, इस बार कंपनी ने हमारे नए मॉडल्स उपलब्ध कराए हैं मार्केट में। ये NSM सीरीज है। NSM सीरीज का मतलब होता है न्यू शीट मेटल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नए जो हमारे ट्रैक्टर्स आए हैं, इसका लुक जो है हमने ट्रेडिशनल से चेंज किया है, जो पिछले 50 साल से हम लोग दे रहे थे। और नया जो हमारा ये ट्रैक्टर आया है, इसमें काफ़ी खूबियाँ भी कंपनी ने बढ़ाई है, जो आगे भविष्य को देखते हुए निकाला गया है। जैसे पहले क्या होता था, पहले जो सर्विस अंतराल होता था वो 250 घंटे पे होता था। अभी कंपनी ने टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट इसमें किया है काफ़ी, जैसे इंजन्स में कोटिंग्स करी गई है और इंजन की क्षमता भी बढ़ाई गई है। उससे क्या हुआ है कि इसमें पावर तो बढ़ गई है, इंजन क्षमता भी इसकी हमने बढ़ाई है, प्लस साथ में जो सर्विस अंतराल है इसका हमने 400 घंटे कर दिया है, तो किसान को फ्रीक्वेंटली सर्विस कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, पहले जो हम लोग देते थे ट्रैक्टर्स जो आते थे हमारे स्वराज के, उसमें हम लोग 2 साल 2000 घंटे की वारंटी देते थे। इसमें जो NSM सीरीज आई है, इसमें हमने 2 गुना नहीं किया है, इसमें हमने 3 गुना कर दिया है। तो जो अभी की वारंटी है इस ट्रैक्टर्स पे, वो 6 साल 6000 घंटे कर दिया गया है। और काफ़ी वेरिएंट्स भी हमने इसमें उतारे हैं। जैसे 44 FE में ही आपको, जैसे किसी किसान को साइड गियर चाहिए, किसी को हाई लो मीडियम चाहिए, ABC गियरबॉक्स जिसे कहते हैं वो चाहिए, तो पहले ये सब लेने के लिए स्वराज में आपको बड़ी गाड़ियाँ लेने पड़ता था, मतलब 60 हॉर्स पावर से ऊपर। बट आज के समय में ये हमारा 4500 हॉर्स पावर जो श्रेणी है उससे स्टार्ट है, और हाई लो मीडियम, साइड गियर, ये सब हम लोगों ने, मतलब समय को देखते हुए हमने ये सब फीचर्स को ऐड किया है। और आशा यही करते हैं कि किसानों ने, किसान इस पर भी जैसे पिछले 50 साल तक हमारा समर्थन किया है, और इस क्षेत्र में हम लोग नंबर वन रहे हैं, वो भी एक काफ़ी अंतराल से हम लोग नंबर वन है। लगभग 50% मार्केट शेयर है इस जिले में हमारा, मतलब 50% गाड़ियाँ हम ही बेचते हैं। बहुत बहुत लाभ हुआ, बहुत लोगों को जानकारी भी दिया गया जी। अच्छा, आज आपने यहाँ पे क्या नई जानकारी प्राप्त की, क्या लगता है इससे आप अपना उत्पादन बढ़ा पाएंगे, उपज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। क्या नई जानकारी लेकर? नई जानकारी हमको ये मिला कि जो दुकान से हम लोग खरीदारी करते थे, उसको आप सरकारी गोडाउन से खरीदारी करके हम अपना सब्सिडी वापस ले सकते हैं। इसके अलावा और दवाओं आदि के बारे में क्या जानकारी? दवा के बारे में भी जानकारी मिला, जो कि अच्छा हुआ। हमारे यहाँ के जो भी अधिकारीगण यहाँ पे आए हुए थे, अच्छा सलाह दिए कि जिससे किसान आगे बढ़े, दुगना आय पैदा करें। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें यंत्रों की, तो यंत्रों आदि के बारे में क्या बताया गया? यंत्रों के बारे में ये बताया गया, जैसे ड्रोन मशीन हो गया छिड़काव के लिए, इससे छिड़काव आप करिए, और जैसे पयारी है उसको जलाया नहीं जा सके, उससे हमको खाद का वो मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा, इसीलिए यही सब सारी बातें समझाया गया। अच्छा, रासायनिक खाद की जगह जैविक खेती की बात की जाए, ठीक है? जैविक तो बहुत अच्छा चीज़ है, रासायनिक से हमको हानि पहुंचाता है और जैविक खाद से हमको बहुत फायदा मिलता है। क्या लगता है इस कार्यक्रम में जो भी आज आपने सीखा अपनाएंगे? जी जी, बिल्कुल अपनाएंगे। इंडिया टुडे ग्रुप के लिए क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए? इंडिया टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद है। सिद्धार्थनगर में आयोजित किसान कार्यक्रम में आज हमें मिले एक मशरूम उत्पादन करने वाले किसान। मशरूम उत्पादन करके इन्होंने अपनी तकदीर को बदला। हम आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की और कैसे यह इनके जीवन में प्रगति का आधार बन रहा है। जी, स्वागत है आपका, शुभ नाम बताइएगा। दिलीप राय। अच्छा दिलीप जी, कब आपके विचार में आया कि हम मशरूम की खेती करें, कैसे शुरुआत की आपने? हम सन 2022 में जो है इसकी शुरुआत किए हैं जी। हम किसान यहाँ कृषि विभाग से एक अधिकारी थे, उन्हीं से हमारा संपर्क जब हुआ
तब जो है हम जब बात हुई तो हम दो दिन के लिए ट्रेनिंग में गए और ट्रेनिंग करके जब आए तो हम अस्टर मशरूम का काम करना चालू किए वहाँ यहाँ पर, जो बटर मशरूम है बटर का काम हम नहीं करते हैं, हम अस्टर मशरूम का काम करते हैं और अस्टर मशरूम से ही हमारी उन्नति है। ठीक है, हम 2 साल से कर रहे हैं और हमें इसमें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। हम 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 महीने का आय कर लेते हैं। अपने जिले किसानों को क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे जो भी किसान है अगर आगे भविष्य में इसको अपनाएंगे तो इससे बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं घर रह करके। अच्छा, आज इस कार्यक्रम में आप आए थे, यहाँ पे और कौन सी आपको जानकारियाँ मिली, किस किस्म की जो आप यहाँ जानकारी मिली? जैसे बीज के मामले में बताया गया कि सब्सिडी 50% मिलती है। अब यहाँ अधिकतर लोग ऐसे थे जिनको जानकारी नहीं थी और इस जो है किसान तक के माध्यम से जो उनको जानकारी दी गई है उससे बहुत बढ़िया फायदा होगा, आने वाले में भविष्य में जो भी होगा बहुत लाभदायक होगा। इस जो एक किसान मेला यहाँ लगाया गया था इससे हमारे यहाँ के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपको लगता है ये कार्यक्रम उपयोगी और बहुत बड़ा उपयोगी है? तो ये थे मशरूम की खेती करने वाले किसान जिनका कहना है कि हमने मशरूम की खेती करके अपनी तकदीर को बदल लिया है, और ये किसानों से कह रहे हैं कि जिले के और भी जो किसान हैं वह भी मशरूम की खेती में आगे आएं और अपनी उपज को बढ़ाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकें। अनिल तिवारी, आज तक, सिद्धार्थनगर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।